बेटे गुड इवनिंग। सुने ध्यान से, हमें जो बात करनी है आज, बात करनी है एक फ्रेश टॉपिक की जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल यहाँ लेवल थोड़ा सा बड़े एडवांस होगा, ठीक है ना, एडवांस होगा। मैं उसे आसान बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और आप पाओगे जैसे जैसे ग्रेजुअली आप पढ़ते जाएंगे तो यू विल फाइंड कि भाई इसमें डिफिकल्ट वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक। और इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं बेटे क्या, कि बच्चे जनरली इसमें रट्टा लगाते हैं कि भाई हाँ ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, इसे ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। हमें सारी बातें बेटे लॉजिकली पढ़नी है, हम किसी भी पॉइंट पे बेटे रट्टा लगाने वाले नहीं है, क्लियर बात। तो प्लीज आप एनपीओ पढ़ने से पहले एक बार हल्का सा ब्रीफ आउटलाइन ले लीजिए इसके बारे में कि व्हाट डू वी मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसे कहते हैं लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के खाते, नॉट फॉर प्रॉफिट, लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के खाते। फाइन, सुनना ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं कि कई सोसाइटीज हमारी हमारी लाइक सोसाइटी में ऐसी हैं जिनका पर्पस ना प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है पता है किस वजह से, ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोसाइटी का उत्थान हो। फाइन, लोगों की बेटे क्या हो बच्चा, अपलिफ्टमेंट हो। सर कोई एग्जाम्पल देना है इसका, आपने सुना होगा बेटे आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी के बारे में पक्का पक्का आपने सुना होगा। तो आंगनवाड़ी इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल फॉर एनपीओ। और दूसरा आप कह सकते हैं बेटे दक्ष अकेडमी, ये सुनो, द पर्पस इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, पर्पस बेटे कहीं से भी प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि मैं सेवा कर रहा हूँ बेटे कैसे, एक नामात्र सी फीस में, इवन फीस भी ना बोले उसे, इससे दाल रोटी चल पाती है बेटे। दक्ष अकेडमी इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। रिलायंस फाउंडेशन का नाम सुना होगा आपने, फाइन, जो सत्यमेव जयते में लास्ट में आमिर खान उसके बारे में बोलता था कि हाँ रिलायंस फाउंडेशन किसके लिए बेटा, कैंसर के मरीजों के लिए शायद, और या फिर ऑर्फेंस के लिए थी, CRY, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, इसका नाम भी आपने सुना होगा बेटा। ये भी एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करती है। इसके बाद बीइंग ह्यूमन का नाम भी पक्का पक्का आपने सुना होगा, ये सलमान खान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए बेटा, ऑर्फेंस के लिए काम करती है। फाइन, तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सोसाइटी में जिनका पर्पज कहीं से भी प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि सोसाइटी को क्या करना है बेटा, सर्व करना है, ठीक। तो उसमें ही हमें अकाउंटिंग को बड़े पीस लेकर आना है कि इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। अब सबसे बड़ा मुद्दा पता क्या आता है, आप ये सोचते हैं कि सर जब प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, जब इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो अकाउंटिंग करने की क्या जरूरत आन पड़ी है, लाइक व्हाई डू वी डू अकाउंटिंग फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, हम क्यों अकाउंटिंग करें उनकी। तो बिल्कुल बात ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक एनपीओ हूं जिसका पर्पस लाभ कमाना नहीं है, और मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑर्फन्स का रखरखाव करता हूं, जो बच्चे अनाथ हैं उनका रखरखाव करता हूं। आप लोग भी क्या चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम किया जाए सोसाइटी के वेलफेयर का, बट आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज द सिंपल रीजन कि भाई आपके पास समय नहीं है। तो आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली आप क्या करते हैं बेटे, मुझे फंड्स डोनेट करते हैं, दान देते हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, जब आप मुझे दान दे रहे हैं तो आप ये जानना चाहोगे नहीं चाहोगे कि आपने जो दान दिया है, आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है, वो उसी पर्पस के लिए यूज हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। या सुनो भाई, सिंपल सी बात, आपने पैसा दिया मुझे, डोनेट किया, तो आप ये पक्का पक्का जानना चाहोगे कि वाकई में आपका जो पैसा है वो उस पर्पस के लिए यूज हुआ भी है या फिर नहीं, जिस पर्पस के लिए आपने दिया था। सही बात ना। अब ये बातें कैसे पता चलेंगी बेटा बताओ, ये बातें तभी तो पता चलेंगे जब मैं हर चीज का रिकॉर्ड रखूंगा, जब मेरे पास हर चीज की क्या होगी बेटे, डिटेल्स होंगी। या सुनो जी, तो इसलिए आवश्यक हो जाता है बेटे एक एनपीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या करना, खाते मेंटेन करना, अकाउंट्स मेंटेन करना। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब मुद्दा यह आता है, ठीक है सर हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, आप ये बताओ कि कैसे कैसे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, क्या क्या मेंटेन होते हैं अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं, क्या सेम वैसे ही होते हैं जैसे हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या कुछ अलग होते हैं। आप बताइए बेटे कैसे होते होंगे, तुक्का लगाना बेटा, सेम ही होते होंगे अलग होते होंगे, दोनों का नेचर अलग है। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज वो एंटिटीज होती हैं जिनका पर्पस लाभ कमाना है, और हम नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, हमारा पर्पस कहीं से भी लाभ कमाना नहीं है। तो आप बताइए क्या कहते हो बेटे कि अकाउंट जो बनते होंगे वो खाते एक होते होंगे या अलग अलग होते होंगे, जल्दी बोले बेटे, ऑब्वियस बात है अलग अलग होते होंगे, ठीक। तो ध्यान से सुनना बेटे, कौन कौन से खाते बनते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना पड़ता है सबसे पहले बेटे कौन सा अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा कि नाम से क्लियर है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पता क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, जिस पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस पीरियड में कितना पैसा आया
और कितना पैसा गया और कितना बचा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में कितना पैसा था, कितना पैसा और आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा बचा हुआ है। सही बात है, ये हो गया बेटे। क्या बचा आपका? रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट। नाम से क्लियर है, पैसों के आने तथा जाने का रिकॉर्ड रखने वाला अकाउंट क्या कहलाता है? रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट, अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट को अगर आप फील करें तो आप पाओगे कुछ कुछ कैश अकाउंट की तरह। कैश अकाउंट भी तो ऐसे किया था बचपन में आपने कि कितना पैसा था, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना बचा हुआ है, ऐसे किया था। तो ये कुछ कैश अकाउंट की ही तरह है। दूसरा अकाउंट जो बनता है बेटे क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम तो सुना होगा आपने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिंपल सा अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट होता है जो हमें मदद करता है ये जानने में कि कितनी हमारी इनकम हुई है और कितने हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं और हमारा कितना सरप्लस आया है या फिर डेफिसिट आया है। सर क्या बोल दिया आपने बेटे? प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज के बारे में बताइए, वो क्या कहती थी? हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और निकालेंगे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट लॉस तो जानेंगे नहीं, प्रॉफिट तो कमाते नहीं है। यहां पर नाम पता है क्या दिया गया? सरप्लस या फिर डेफिसिट। कुछ है नहीं बेटे, जैसा वहां नेट प्रॉफिट होता था वैसे यहां पर क्या है? जैसे वहां पर नेट लॉस होता था वैसे यहां पर क्या है? डेफिसिट। क्या है? डेफिसिट। आ रही बात समझ में? हाँ बोलो जी। तो ये दूसरा अकाउंट है जो हमें बनाना पड़ता है जिसका नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द फर्स्ट वन वॉज रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई बात समझ में? हाँ बोलो। तीसरा बैलेंस शीट। क्या हो गया बेटा? बैलेंस शीट आप बचपन से बना बना के बाल सफेद हो गए आप लोगों के, यहां भी बैलेंस शीट बनेगी बेटा। फाइन, तो तीन जो मुख्य खाते हैं इनके बेटे कौन कौन से? रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। तो दीज आर द थ्री अकाउंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय एन एनपीओ, जो कि एनपीओ को बनाने पड़ते हैं। पक्का? हाँ बोलो जी। अब मुद्दा ये आता है, ठीक है जी बनाने पड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। कैसे बनाए जाएंगे इसको हमें सीखना है। तो पहले ना दो चार शब्द आप लिखेंगे किसके बारे में? एनपीओ के बारे में, और फिर हम सीखेंगे कि क्या कि कैसे बनते हैं बेटे इनके अकाउंट, कैसे बनते हैं इनके अकाउंट। आइए बेटे देखें मेरे साथ, लिखेंगे फटाफट से। नॉट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, क्या बोलते हैं हम प्यार से इनको? एनपीओज। लाभ कमाने वाली या ना कमाने वाली? लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के खाते। सबसे प्यारा एग्जाम्पल क्या है बेटे इसका? दक्ष अकेडमी, ठीक है ना? हाँ जी, आप जीत द हैंडसम भी बोल सकते हैं बट दक्ष अकेडमी लिखे हुए तो काफी रहेगा। हाँ जी, आप सुनना ध्यान से, लिखिए इनके बारे में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और those organizations are those organizations which are there in the society, जो society में है बेटे किस चीज के लिए? not to earn profits but for welfare of, but not to earn profit but for welfare of society, but is profit kamane ke liye nahi hai but society ke welfare ke liye, sahi baat hai? Example likhiye beta, example se bataiye. Sabse pehle batana kya hai beta, agar main aapko आसानी से बात करूं तो बिल्कुल आसानी के लिए
सबसे पहले बेटे बीइंग ह्यूमन, हनुमान नहीं बेटे ह्यूमन, ठीक है, बीइंग ह्यूमन किसके लिए बेटे, ऑर्फन्स के लिए, उसके अलावा अपने नाम सुना होगा आंगनबाड़ी, बच्चों को बेचारे को बहला फुसला के बुलाते हैं बिस्कुट बिस्कुट देके और उसको पढ़ाने बिठा देते हैं आंगनबाड़ी, ये सुनो सुना है। इसके अलावा बेटे आपके आस पड़ोस में जो भी रामलीला कमेटी है उनका पर्पज क्या है बेटे, उनका पर्पज है पुरुषों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाना और महिलाओं को बेटे क्या, हाँ माता सीता बनाना बेटे, वो उल्टा ही रहा है बेटे, आई बात समझ में, तो सिंपल सी बात। वो भी किस लिए बेटा, वो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, कि लोग जाने कि हाँ राम कौन थे, राम कैसे थे, ठीक है बेटे रावण, हाँ जी। तो सिंपल क्या बोलोगे आप, आंगनबाड़ी और हाँ आंगनबाड़ी। इसके बाद पतंजलि नहीं बेटे, क्या प्रॉफिट कमा रही है इतना तगड़ा, अच्छा अच्छा कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड, हाँ। इसके आगे और सुनिए ध्यान से, अपने नाम सुनाओगे बेटे क्या, रिलायंस फाउंडेशन, फाइन क्लियर बात। उसके बाद क्राई, सी आर वाई क्राई, तो ये एग्जाम्पल है बेटे किसके, क्राई का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओ, फाइन। अब मुद्दा ये आता है इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो क्या लिखोगे आप, लिखिए बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एनपीओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एनपीओ इंक्लूड्स क्या क्या आता है बेटे, सब बताना। सबसे पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा बताओ बेटा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटे, तीसरा बताइए बैलेंस शीट, क्या है आपका बैलेंस शीट। ये तीन बातें कवर होती है बेटे किसमें, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एनपीओ में, फाइन। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बेटे नेक्स्ट लेवल की, कि सर ये है क्या, एक एक चीजों को खोलेंगे बेटे आराम से। मैं हर अकाउंट के ना गुण बताऊंगा आपको कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या बातें इसमें इंक्लूड होती है, क्या क्या बात इंक्लूड नहीं होती है, फाइन। सारी बातों को हम चर्चा करेंगे और फिर बनाना सीखेंगे कुछ छोटे छोटे की एलिमेंट्स जो बहुत ही ज्यादा आप कहते हैं बेटे क्या है, क्रूशियल हैं इनको बनाने में, रिसीविंग पेमेंट को बनाने में, इनकम एक्सपेंडिचर को बनाने में और बैलेंस शीट को बनाने में, ठीक है ना जी। तो देखें फटाफट से बात करते हैं इसके पहले रिसीविंग पेमेंट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर क्या होता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, सुनना बेटे ध्यान से, लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसा कि नाम से क्लियर है, यह हमें बताएगा कि हमें कितना पैसा हमारे पास पहले था, बिगनिंग में कितना बैलेंस था, कितना बैलेंस और कितना पैसा और आया। अब बेटे पैसा कहां कहां से आएगा, पैसा कहां कहां से आएगा, तो सिंपल सी बात बेटे पैसा आएगा कहां से, या तो जो एनपीओ है उनसे कुछ मेंबर्स होंगे वहां से पैसा आएगा, या फिर पैसा कहां से आएगा बेटा, बाहर से आएगा, बाहर के जो लोग हैं आउटसाइडर्स हैं वो देंगे पैसा, ठीक है। कहां कहां से पैसा आए इसकी बात, फिर उसके बाद वो पैसा कहां कहां पर यूज हुआ, कहां कहां उसके बेटे पीस क्या किया गया, यूज किया गया, यानी कि कहां कहां पेमेंट हुई, वो सारी बातें, और एंड में कितना हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, आपको नहीं लगता कि इसमें जो भी आइटम आएंगे सारे के सारे कैश इन नेचर होंगे, किस तरह के होंगे, कैश इन नेचर, कि कितना पैसा कैश में आया और कितना पैसा कैश में गया, सही बात है, कोई भी नॉन कैश आइटम इसमें आने वाला नहीं है, पक्का, हाँ बोलो, अच्छा। तो क्या मैं कह सकता हूं, इट इज नथिंग, दिस अकाउंट इज नथिंग बट इट इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, इट शोज ऑल द कैश आइटम्स, कौन से आइटम्स, ऑल द कैश आइटम, चाहे फिर वो इस साल के हों, पिछले साल के हों या अगले साल से रिलेट करते हो,
किसी भी साल से रिलेट करते होंगे, अगर वो इस साल मिले हैं तो इस अकाउंट में आएंगे, अगर वो इस साल पे हुए हैं तो इस अकाउंट में आएंगे। कैश आए या जाए, चाहे वो इस साल से रिलेटेड हो यानी कि करंट ईयर, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो यानी कि प्रीवियस ईयर, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, सही बात है, वो यहां पर आएगा। एक बात और, इसी तरह हम एक बात और कहते हैं कि यहां पर हर तरह की रिसीट आएगी और हर तरह की पेमेंट आएगी। सर व्हाट डू यू मीन बाय हर तरह की रिसीट और हर तरह की पेमेंट? सुनना ध्यान से, रिसीट बेटे दो प्रकार की होती है, एक कैपिटल रिसीट और एक रेवेन्यू रिसीट। सर क्या कहना चाह रहे हो? कैपिटल रिसीट मतलब ऐसी रिसीट जो वंस अ व्हाइल मिलती है, कभी कभार मिलती है, उसे कहते हैं कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट होती है जो क्या होती है बेटा, बेटे बार बार मिलती है, बार बार मिलती है, मतलब रेकरिंग नेचर की है, मिलती रहती है, वो कहलाती है कौन सी रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। कौन सी रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। वहीं अगर हम बात करें बेटे किसकी, वहीं अगर हम बात करें बेटे किसकी, पेमेंट की, तो पेमेंट भी दो प्रकार की होती है बेटा, पहला रेवेन्यू पेमेंट और दूसरा कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट, तुक्का लगाना बेटे जरा फटाफट से, कौन सी पेमेंट कहलाती होंगी रेवेन्यू पेमेंट? जो रेकरिंग नेचर की है, बार बार होने वाली है, कभी कभार होने वाली है? बार बार होने वाली है, सही बात है ना, जो बार बार फ्रीक्वेंटली मिलती है बेटा, सही बात है। और कैपिटल पेमेंट ऐसी पेमेंट जो हमें कभी कभार मिलती है। तो ध्यान रखना बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हर तरह का आइटम आएगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। और वहीं अगर हम बात करें बेटे किसकी, नेचर मतलब रिसीप्ट की, तो रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट भी है, कैपिटल रिसीप्ट भी है। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट कैपिटल पेमेंट भी है और रेवेन्यू पेमेंट भी है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, रेवेन्यू का मतलब ये मत समझना कि रेवेन्यू मतलब वो इकोनॉमिक्स वाला रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। यार रेवेन्यू का मतलब किससे बेटा, रेवेन्यू का मतलब किससे? उसकी फ्रीक्वेंसी से, उसके फ्रीक्वेंसी से, उसके होने वाले बेनिफिट से। चलो आप मुझे बताना बेटे ये रेवेन्यू पेमेंट है कैपिटल पेमेंट है? बेटे मैंने पता है क्या परचेज किया, मैंने ये पेन परचेज किया, फाइन, पेमेंट हुई होगी इसकी भी, बताइए इसका बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलेगा या कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा? कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। बेटे मैंने ये विजुलाइजर लिया, विजुलाइजर परचेज किया, आप बताइए इसके लिए पेमेंट की होगी? चुराया नहीं भाई, बताइए इसके लिए पेमेंट की गई होगी? ऐसा नो, तो बोलो इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा या एक साल के भीतर भीतर खत्म हो जाएगा? तो सिंपल सी बात, तो ऐसी पेमेंट जिसका बेनिफिट बेटे क्या होगा, छोटे समय के लिए बेटे, उसी साल खत्म हो जाएगा, वो पेमेंट कैसी पेमेंट है? रेवेन्यू पेमेंट। और ऐसी पेमेंट बार बार होती है, मैं पेन बार बार खरीदूंगा, बोलो है ना। और वहीं अगर बात करूं बेटे किसकी, इसका बेनिफिट लंबे समय तक क्या होता रहेगा, मिलता रहेगा, तो ये कैपिटल पेमेंट में आएगा। किसमें? कैपिटल में। तो ध्यान रखना, कसम खा लो मेरे साथ साथ कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन आती है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं आती है। तीसरी बात बेटे क्या, कि चाहे वो पैसा रिलेट करे करंट ईयर से, नेक्स्ट ईयर से, या फिर बेटे क्या प्रीवियस ईयर से, अगर वो इस साल आया है या इस साल गया है तो वो यहां पर आएगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो यहां आएगा, ठीक है ना। और इस अकाउंट के बारे में बता दूं बेटे, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो नेचर है बेटे, कौन सा नेचर? बोलो, इसका नेचर है आपका, बोलो, रियल अकाउंटिंग नेचर। कौन सा नेचर? रियल अकाउंटिंग नेचर। रियल अकाउंटिंग नेचर मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो पैसा आएगा वो डेबिट साइड से आएगा, जो जाएगा क्रेडिट साइड से जाएगा। और याद करो बचपन में कैश अकाउंट भी आपने ऐसे ही बनाया था भाई, सिंपल से कैश अकाउंट ऐसे ही बनाया था आपने, आपने कहा था जो पैसा आएगा डेबिट साइड से आएगा और जो पैसा जाएगा क्रेडिट साइड से जाएगा। यस नो? हाँ बोलो जी। तो आइए बेटे दो चार शब्द लिखते हैं किसके बारे में, रिसीट पेमेंट के बारे में। कोई पूछे तो बता दोगे ना थोड़ा बहुत? बोलो हाँ, पक्का लिखे बेटे फटाफट से। चुपचाप पढ़ाई करो नालायक, क्या बोलते रहते हो, कुछ भी बोलते हो। हाँ जी लिखें, इट इज अ समरी ऑफ क्या बेटा, ऑफ ऑल दी बेटे, समरी की स्पेलिंग सही है ना सर? हमें कौन सा पता है। ऑल दी कैश ट्रांजेक्शन, समरी ऑफ ऑल दी कैश ट्रांजेक्शन,
इट डज नॉट इंक्लूड It does not include any non-cash item. इसमें कोई non-cash item नहीं आता है. दूसरी बात बताइए बेटा, किस नेचर का बेटे? इट इज रियल अकाउंट इन नेचर. किस नेचर का है? रियल अकाउंट इन नेचर. रूल बताना बेटा, इसका क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश. आगे चलो बेटे, इसके बाद इट कंसिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ, इट कंसिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ रिसीट्स, इट कंसिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ रिसीट्स whether belonging to बेटे जो बिलोंग करते हो किससे बेटा, चाहे करंट ईयर से, चाहे प्रीवियस ईयर से, चाहे बेटा नेक्स्ट ईयर से. इट कंसिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ रिसीट whether belonging to करंट ईयर प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, फुल स्टॉप. आगे चले बेटा, लिखें इसे फटाफट से. आइए बेटा, अब बात करते हैं बेटा इसकी एक बात और. सिमिलरली जैसे आपने कहा बेटा, इसमें रिसीट आती है सारी की सारी, फिर चाहे वो करंट ईयर से बिलोंग करती हो, प्रीवियस ईयर से, या फिर नेक्स्ट ईयर से. सिमिलरली इट कंसिस्ट ऑफ, बोलो बोलो बोलो, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पेमेंट्स, ऑल द पेमेंट्स वेदर बिलोंगिंग टू कौन सा ईयर, और नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर. सारी पेमेंट भी आएंगी बेटे इसमें, ठीक है ना. अच्छा एक बात और बताइए बेटे, इसमें किस नेचर के आइटम आते हैं, रेवेन्यू क्या कैपिटल के? रेवेन्यू कैपिटल दोनों. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ रिसीट्स, बेटे ब्रैकेट में ना, वेदर revenue receipts or capital receipts. It consists of all the items of receipts and all the items of payments, whether revenue payment और कैपिटल पेमेंट्स, चाहे बेटे रेवेन्यू पेमेंट हो या फिर कौन सी पेमेंट हो, कैपिटल पेमेंट हो. पक्का कोई इश्यू तो नहीं? हाँ तो बेटे मैं ना हल्का सा, हल्की सी पिक्चर रख रहा हूं रिसीट में मिल गया आपके सामने कि कैसा दिखता होगा ये ढांचा, फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ किसका बेटा, हाँ जी क्या लिखेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट,
फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। रिसीविंग पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। देखिए बेटा कैसा होगा, छोटा सा हल्का सा नन्ना सा, क्या नहीं तो किस बेटे क्यों रट्टा लगा रहे हो, क्यों रट रहे हो खाली, चुपचाप सुनते रहो ना अभी। हाँ कॉलेज में पढ़ा हुआ आपने? हाँ हाँ था इलेवंथ में एनपीओ, कहाँ पढ़े थे इलेवंथ में आप? अच्छा तो ऐसा बताया गया था कि 3 साल के लिए बनता है, फिर तुक्का को लगा रहे खाली। कुछ अच्छा आता है तो हमें पहले से आता है, कुछ गंदा आता है तो जीत द हैंड्स ने बताया। ये देखें रिसीविंग पेमेंट, देखना ध्यान से क्या बेटा, सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस, धनकर साहब ओपन करो, सबसे पहले क्या होगा मुझे पता है टॉपिक इंटरेस्टिंग है बट स्टिल इतना भी नहीं कि मुंह खोले रखो। सबसे पहले क्या टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी को पता है कौन सा बैलेंस कहते हैं बेटे? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किस किस चीज का बेटे? कैश का और बैंक का, दोनों का आएगा यहां पर बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। पैसा आया, कितना पैसा आया बेटे बताना, पैसा आता कहां कहां से, कहां कहां से आएगा पैसा? हाँ जी ओहो, मतलब किस किस कैसी कैसी रिसीट हो सकती है? रिसीट या तो कैपिटल या रेवेन्यू, या तो कैपिटल या फिर रेवेन्यू। तो अगर मैं रिसीट की बात करूं, रेवेन्यू रिसीट भी आ सकती है, और क्या आ सकती है बेटा? बड़े चर्चा करूंगा मैं इनके ऊपर कि क्या होती है, ठीक है ना, आधी क्लास को लगाएंगे हम बाद में। पेमेंट की अगर हम बात करें तो बताना पेमेंट में क्या क्या आएगा, बोलो बोलो जी। पेमेंट में भी दो प्रकार की पेमेंट बेटे, रेवेन्यू पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स और साथ साथ कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स और साथ साथ कैपिटल पेमेंट। और यहां आ जाएगा पता कौन सा बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। हाँ जी कौन से, कैश का और साथ साथ बैंक का, कैश का और साथ साथ किसका बेटा आपका, बैंक। कोई इश्यू तो नहीं? नहीं सर कैश है, आप चिपका रहे हो हम चिपका रहे हैं। समझाना मुझे बताना, इसको रीड करते हैं एक बार, क्या मैं कह सकता हूं ये ओपनिंग बैलेंस है? बोलो हाँ, कौन सा बैलेंस हो गया बेटा आपका, ओपनिंग बैलेंस। ये बेटे पैसा आया गया, पैसा बोलो आया, पैसा आया, और इनके बारे में क्या बोलोगे, ये पैसा गया, वेरी गुड। और ये क्या है बेटा आपका, क्लोजिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। वैसे बस हल्की सी बात कर रहा हूं मैं, हल्की फुल्की सी, कुछ समझने वाली बात नहीं कर रहा ज्यादा बेटे। क्या मैं कह सकता हूं ये मेरी ओपनिंग असेट है, ये मेरी ओपनिंग असेट है, और ये मेरी कैसी असेट है बेटे, ये मेरी क्लोजिंग असेट है, ये मेरी ओपनिंग असेट, ये मेरी क्लोजिंग असेट। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का चले? हाँ बोल दो जी। आइए बेटा चर्चा को आगे लेके जाते हैं बेटा नेक्स्ट लेवल पर, बात करते हैं किसकी, ये बात तो रिसीविंग पेमेंट की, और भी चर्चा करेंगे इसको हम डिटेल में, बस फिलहाल के लिए इतना ढांचा समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी अच्छा अब बताइए बेटे नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा इसमें, बोलो बोलो बोलो। दूसरा बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड कैसे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखते हैं अभी, पहले फटाफट चिपकाइए आप इसको बेटे। इतना होने के बाद अब बात करते हैं किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो सुनना ध्यान से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में, क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि नाम से क्लियर है, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी जैसे पीएनएल अकाउंट बनाती थी, वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी क्या बनाती है आपकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। ये अकाउंट हमें क्या दिखाएगा बेटा, इसका ये क्या रिजल्ट दिखाएगा हमें, ये दिखाएगा कि इसकी एनपीओ का कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट है। सरप्लस को एक नाम से और जानते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम
ओवर एक्सपेंडिचर, बोलो एक बार, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि सरप्लस कब आएगा, जब आपकी इनकम ज्यादा होगी किससे, एक्सपेंडिचर से। वहीं अगर हम बात करें बेटे किसकी, डेफिसिट की, डेफिसिट को भी एक नाम से जानते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, आई बात समझ में? हाँ बोलो। अब मुद्दा पता क्या आता है, मुद्दा ये आता है बेटे क्या, ठीक है जी हमने निकाल लिया सरप्लस डेफिसिट, सर ये बताओ निकालेंगे कैसे, निकालने की बात तो कर रहे हो आप, निकाला कैसे जाएगा, आप ये समझाओ पहले, सुनना ध्यान से बेटे। एक बात बताइए, बचपन में क्या पी एन एल अकाउंट बनाया था आपने, बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जिसमें क्रेडिट साइड में क्या आता था, सब इनकम आती थी, और डेबिट साइड में क्या आते थे, एक्सपेंडिचर आते थे, सही बात है, एक्सपेंसिस आते थे। यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा, बट एक बात ध्यान रखना, एक्सपेंसिस दोनों प्रकार के होते हैं, कैश भी और नॉन कैश भी, कैश भी और नॉन कैश भी, आ रही बात समझ में? सर बताना, एग्जाम्पल देना जरा कोई, बेटे मैंने मैंने ये पेन खरीदा, मैंने ये पेन खरीदा, ये पेन प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है, बोलो हाँ ना, अच्छा ये तो हो गया कैश। बेटे हम इस विजुलाइजर को यूज कर रहे हैं, बताओ इसकी वैल्यू घट रही होगी बढ़ रही होगी, घट रही होगी, इस पर क्या लग रहा होगा, डेफिशिएंट, तो वो कैश हुआ नॉन कैश हुआ, जल्दी बोलो क्या हुआ, नॉन कैश। तो ध्यान रखना इसका डेफिशिएंट भी आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, और प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा भी आएगा, यानी कैश आइटम भी आएंगे और नॉन कैश आइटम भी आएंगे, तभी जाके हम सही सही सरप्लस या सही सही डेफिशिएंट निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ बोलो जी। फिर बात आती बेटी किसकी, कि सर एक बात बताओ कि इसमें आइटम कौन से ईयर के आएंगे, क्या सभी ईयर के आ जाएंगे या सिर्फ इस साल के आएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, आप ही बताइएगा। मुझे इस साल का प्रॉफिट जानना है, इस साल का सरप्लस जानना है, इस साल का डेफिसिट जानना है, तो कौन से साल के आइटम कंपेयर होने चाहिए, सिर्फ इसी साल के या सभी सालों के एक साथ, इस साल के। तो ध्यान रखना बेटे, इसमें जो आइटम आते हैं वो आइटम पता है कौन से आते हैं, विच बिलोंग्स टू करंट ईयर ओनली, विच बिलोंग्स टू, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बिलोंग करते हैं, करंट ईयर से, नहीं आ रही बात समझ, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बिलोंग करते हैं, क्योंकि मुझे इस साल की परफॉर्मेंस जाननी है, मुझे इस साल की परफॉर्मेंस जाननी है, नहीं आई बात समझ में, झूठ बोल रहे हैं आप, पक्का? हाँ बोलो। अच्छा और सुन बेटा एक बात और, आपको पता है जो आप बस सिर्फ इस साल की, आपने बताया था क्या कि सर जो रिसीडेंट पेमेंट है, रिसीट जो पेमेंट है उसमें सारे तरह के आइटम आते हैं, कैपिटल भी आते हैं और रेवेन्यू भी आते हैं, कैपिटल सीट भी आती है और रेवेन्यू सीट भी आती है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बेटे क्या, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, कौन से आइटम आते हैं, रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, क्योंकि जो कैपिटल आइटम्स हैं वो बैलेंस शीट में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, बैलेंस में। शायद पढ़ा होगा आपने कि जैसे हमने मशीनरी परचेस की है तो मशीनरी कैपिटलाइज होती है, क्या होती है बेटा, कैपिटलाइज होती है। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनना, बताना बात सही है गलत है। बेटे मैं ये कहता हूँ मैंने कोई मशीनरी परचेस की नगद, तो वो कैपिटल पेमेंट है, बोलो हाँ, कौन सी पेमेंट है, क्या उसे इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओगे क्या, या बैलेंस में ले जाओगे, बैलेंस में ले जाओगे। मैंने कोई स्टेशनरी परचेस की, वो कैसी पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट है, तो सिंपल से वो कहाँ जाएगी, वो बैलेंस में जाएगी, वो रेवेन्यू या कैपिटल है, रेवेन्यू, उसका बेनिफिट सिर्फ उस साल तक मिलेगा, बोलो है ना, नहीं हरी बात सुन। तो ध्यान रखना बेटे क्या, कि जो रेवेन्यू नेचर के आइटम है सिर्फ वही आते हैं किसमें, इनकम एंड, जो कैपिटल नेचर के आइटम है वो कहाँ चले आते हैं, बैलेंस शीट में। आई होप आई एम क्लियर, नहीं बात सुन, पक्का बताना बेटा। फर्नीचर परचेज किया आपने, फर्नीचर कैपिटल पेमेंट है, किसमें जाइए, बैलेंस शीट में। बेटे मैं कहता हूँ मैंने बिजली का बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, किस नेचर का है, बोलो रेवेन्यू नेचर का है, तो सिंपल सी बात किस में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आई होप आई एम क्लियर, पक्का कोई इशू तो नहीं। तो बेटे बताना क्या क्या फर्क हो गया रिसीडेंट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर में। रिसीडेंट पेमेंट बताता था कैश के बारे में, कैश की समरी, कैश का आना कैश का जाना। यहां ये क्या बता रहा है बेटा आपको, कि हमें हमने कितना सरप्लस कमाया या कितना डेफिसिट हुआ, सही बात है। रिसीडेंट पेमेंट में सारे आइटम आते थे, चाहे वो करंट ईयर के हो, प्रीवियस ईयर के हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हो, अगर आया है तो रिसीट में आएगा, गया है तो पेमेंट में आएगा। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वही आइटम आ रहे हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, करंट ईयर से। रिसीडेंट पेमेंट में आते थे बेटे कैश नेचर के आइटम, यहां कैश के भी आएंगे और नॉन कैश के भी आएंगे। रिसीडेंट पेमेंट में वो आइटम आते थे जो चाहे रेवेन्यू नेचर के हो, चाहे कैपिटल नेचर के हो, मगर यहां पर अगर हम बात करें
सिर्फ वही आइटम है जो किसने जगह कैपिटल, कौन से जगह रेवेन्यूचर के। मजे की बात, रिसीडन पेमेंट में हम कहते तो उसका अकाउंट पता है किसने नेचर का है, उसका नेचर क्या है, रियल अकाउंट नेचर है। कौन सा रियल। और कसम खा लो बेटे क्या अकाउंट में जीवन भर वो सारे के सारे अकाउंट जो आपको सरप्लस से डेफिसिट देंगे उनका नेचर होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट का नेचर कैसा है आपका? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट साइड में सारे क्या आएंगे बेटा? एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्रेडिट साइड में क्या आएंगे? सारी इनकम्स एंड। आई होप आई एम क्लियर। पक्का कोई इशू? प्लीज दो चार शब्द लिखिएगा बेटा इसके बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाँ जी कौन सा अकाउंट बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोलेंगे बेटे बताना इसके बारे में? जस्ट पैरेलल लेके चलो बेटे रिसीडन पेमेंट को, सारी बात समझ में आएंगी बेटे। इसमें कौन से आइटम आते हैं? इन इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स कैसे बेटा? कैश एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स। कैश एज वेल एज कौन से आइटम बेटा आपके? नॉन कैश आइटम। यस नो? हाँ बोलो। अच्छा बेटे क्या मैं कहता हूं सबसे प्यारा एग्जांपल इसका क्या हो गया बेटा? स्टेशनरी भी आएगा तो दूसरी तरफ बेटे क्या आएगा? डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड भी आएगा। यस नो? बोलो हाँ। किस नेचर का अकाउंट है बेटे बताना? इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। क्या रूल है इसका? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेरी गुड। और इसके साथ साथ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आगे चलो बेटा, इसमें कौन से आइटम आएंगे बेटा? रेवेन्यू से के बोलो हाँ। इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स मतलब रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू पेमेंट, वो भी कौन सी ईयर की? सिर्फ करंट ईयर की। कौन सी ईयर की बेटा? सिर्फ करंट ईयर। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली रेवेन्यू आइटम्स revenue receipts and revenue payments which are belonging to, bolo bete bolo, which are belonging to kaun se saal se? current year only. kaun se year ka? current year only. yes or no? acha bete to kya main ek baat keh sakta hu, iska result kya nikal ke aayega? This account shows net result. Net result in form of किसके रूप में बेटा? In form of बोलो 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 surplus या फिर क्या बेटा? surplus को किस नाम से जानते हो? हाँ excess of इनकम ओवर डेफिसिट के बारे में बताओ।
ओवर इनकम, ऐसी आपसे पूछना बेटे तुक्का लगाने दे रहे, क्या कहते हो आप? याद करो बेटे फाइनल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता था वो कैपिटल में क्या होता था? ऐड होता था। यहां जो सरप्लस आएगा वो भी क्या होना चाहिए? कैपिटल में नहीं, यहां पर बनता है बेटे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, सर इसे कैपिटल फंड क्यों कहते हैं बेटे? एक बात बताइए, एनपीओ किसी एक इंसान ने स्टार्ट किया है या बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें? बहुत सारे मेंबर्स, तो उन सबका पैसा मिला के क्या कहलाते हैं बेटे? कैपिटल फंड। कैपिटल नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे? कैपिटल। तो इस सरप्लस कैपिटल फंड में क्या होगा बेटा? ऐड होगा। और अगर डेफिसिट निकल के आया तो कैपिटल फंड में क्या होगा? माइनस होगा। अरे बात सर में, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ जी। तो क्या कहोगे आप सरप्लस के बारे में? सरप्लस इज एडेड अप टू कैपिटल फंड व्हाइल डेफिसिट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड। फ्रॉम कैपिटल फंड, आ रही बात समझ? बोलो हाँ। एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा बेटे, क्या? इधर देखें, याद करो बेटा अपना बचपन। सर बचपन, यस, याद करो अपना बचपन। वहां ना कुछ ऐसा सीखा था आपने, सर क्या सीखा था हमने? वहां आपने सीखा था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे ना, तो आप आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, सबकी एडजस्टमेंट करते थे। करते नहीं करते थे? आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, सबकी एडजस्टमेंट करते थे। वो बनता था आपका अक्रूवल बेसिस पर। कौन से बेसिस पर? तो बेटे क्या मैं कह सकता हूँ, ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, ये इनकम एंड एक्सपेंस तो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बट फर्क इतना है बेटे, क्या वो बनाती है प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, ये बनाती है कौन? नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। बोलो है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये भी किस बेस पर बनेगा? अक्रूवल बेसिस पे। और रिसीवेबल किस बेस पर बनता है? कैश बेसिस पर। किस पर? कैश। ये बनेगा किस बेसिस पर? अक्रूवल बेसिस पर। मतलब इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पता है किसके लिए? आउटस्टैंडिंग के लिए भी, प्रीपेड के लिए भी, अक्रूड के लिए भी, अनअर्न के लिए भी, सबके लिए। बोलो है ना। तो किस बेस पर बनता है आपका? अक्रूवल बेस पर। किस पर? अक्रूवल। नहीं आया सर, मैं झूठ बोल रहा हूँ, पक्का? दो एक शब्द और लिखे बेटे, एक लाइन, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक? दो मिनट से ऊपर नहीं लूंगा मैं आपकी क्लास, मैक्सिमम 45 मिनट की होगी। लिखे बेटे, क्या लिख रहे हैं आप? इट इज प्रिपेयर्ड on accrual basis and hence it requires adjustment for किसके लिए बेटा? outstanding comma prepaid comma accrued एंड अनअर्नड आइटम्स। अनअर्नड आइटम्स, क्लियर बात? तो इसमें सभी, इन सभी आइटम के लिए क्या चाहिए बेटा? एडजस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? इसके ऊपर हम बाकी चर्चा कब करेंगे आपके साथ? नेक्स्ट क्लास में। आप, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। पक्का इसका फॉर्मेट वॉर्मेट हम कब डिस्कस करेंगे आपके साथ? नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, बाय बाय।